जय गणेश। तो जी हाँ गाइस, स्वागत है आपका इंडियन पोकेमोन यूट्यूब चैनल की इस वीडियो पे। तो जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ भाई गो फेस्ट की लास्ट वीडियो, मतलब जी हाँ गाइस, आज गो फेस्ट की मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर अपडेट देने वाला हूँ। अपडेट क्या देने वाला हूँ भाई, ट्रिक बताने वाला हूँ और आपको ये बताने वाला हूँ हाउ टू गेट 50 रेड पासेस इन पोकेमोन गो। गो फेस्ट के लिए स्पेशल वीडियो है, तो मेरे ख्याल से आखिरी वीडियो होने वाली है गो फेस्ट की। तो भाई फटाफट से लाइक कर दो, बिना किसी इंट्रो के सब कुछ बताना शुरू करता हूँ। तो देखो भाई, सीधी सरल बात है, करना कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास टिकट है ना, तो सबसे पहले टिकट होल्डर के बारे में बता रहा हूँ। तो जिन लोगों के पास टिकट है ना, मुझे 110% पता है कि भाई जिन लोगों के पास टिकट है वो थोड़े से बड़े हैं, उन्हें पढ़ना लिखना आता है, उन्हें गेम की समझ है और वही वो गेम बहुत ज़्यादा पहले से खेल रहे हैं और इसी के साथ साथ वो स्पूफर भी हैं, 110% स्पूफर है। वरना अगर जो लोग स्पूफ नहीं करते, जिनके पास टिकट है, फिर भी भाई उनको बता देता हूँ, आपको मिल सकता है भाई 30 रेड पासेस। जैसे कि भाई आप लोगों को पता होगा, पोकेमोन गो टिकट होल्डर्स को दे रहा है 18 जुलाई को 10 डेली रेड पासेस। तो भाई हाउ टू गेट 3 डेली रेड पासेस इन अ डे, इस पर मैंने वीडियो डाली है, तो वो वाली वीडियो जाके चेकआउट करो या फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा एक दिन में 30 डेली रेड पासेस आपको कैसे मिल सकते हैं। फिर भी जिन लोगों को नहीं पता और जो भाई मेरे को पता है, तो वीडियो देखने में जोर करोगे, तो मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बताता हूँ, करना कुछ नहीं है। 18 जुलाई को सुबह 6:30 बजे तुम्हें जाना है होलुलु आइलैंड और वहाँ पर जाके भाई तुम्हें मिल जाएंगे 10 डेली रेड पासेस। पर शर्त यह है कि तुम्हें 17 तारीख को या फिर 17 जुलाई को तुम्हें रेड पास खर्च नहीं करना, तो तभी तुम्हें भाई 18 जुलाई की सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक होलुलु आइलैंड पर जाके तुम्हें 10 डेली रेड पासेस मिल जाएंगे। होलुलु आइलैंड से डेली पास कलेक्ट करना और न्यूजीलैंड में आके रेड करना। जैसे कि भाई अभी मेरे को एक डेली पास मिलेगा, तो भाई मैं जाऊंगा पहले होलुलु आइलैंड से, मेरे को एक डेली पास मिला, फिर मैं आके न्यूजीलैंड में रेड करूंगा और वापस से भाई मैं जाऊंगा होलुलु आइलैंड, वहाँ से वहाँ पे जाके मैं अपना गेम बंद करके ऑन करूंगा, वापस से मैं वहाँ पे एक डेली पास कलेक्ट करूंगा, वापस से न्यूजीलैंड आके रेड करूंगा। ऐसा सिलसिला चलता रहेगा भाई, ऐसे मेरे को 10 डेली रेड पासेस मिल जाएंगे होलुलु आइलैंड से। उसके बाद जैसे ही मेरे को 10 होलुलु आइलैंड से 10 रेड पास मिल जाएंगे, उसके बाद मैं न्यूजीलैंड में ही 10 डेली रेड पास से नॉर्मली रेड कर लूँगा, क्योंकि भाई 18 जुलाई को भी तो 10 डेली रेड पासेस मिलने वाले हैं ना भाई गो फेस्ट की तरफ से। उसके बाद भाई शाम का मैं इंतजार करूंगा, शाम 5:30 बजे के बाद मैं चले जाऊंगा कृति बाती, क्योंकि कृति बाती में हो चुका होगा भाई 19 जुलाई। 19 जुलाई में मैं जाऊंगा, वहां पे जाके मैं रेड पास सेलेक्ट करूंगा, फिर जहां पे रेड चल रही होगी वहां पे मैं रेड करूंगा और वापस से भाई मैं कृति बाती जाऊंगा शाम को रेड पास सेलेक्ट करने। जी हाँ गाइस, सिंपल है गाइस, मैं आपको बता चुका हूँ, वरना डिस्क्रिप्शन पर लेना अगर समझ में ना आया हो तो, वरना सबसे बेस्ट रहेगा भाई तुम वो वाली वीडियो चेकआउट कर लो, हाउ टू गेट 4 डेली पास इन अ डे। जी हाँ गाइज, आपको 4 डेली पासेस इन अ डे मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं आप जाके वीडियो चेकआउट कर लो। और अगर आपको एक दिन के 4 डेली रेड पासेस मिल रहे हैं, तो यकीन मानो भाई आपको 40 डेली रेड पासेस आपको एक दिन के मिल जाएंगे। अगर आप भाई आप समझ गए होगे हाउ टू गेट 4 डेली पासेस इन अ डे ट्रिक, मैंने वीडियो डाल रखी है वाली ट्रिक, अगर आप समझ जाओगे तो आपको 40 डेली रेड पासेस आपको एक दिन में देखने को मिल जाएंगे। और आप लोगों को क्या ही चाहिए गाइस। और ये तो बात हो गई भाई टिकट होल्डर्स की, टिकट होल्डर्स के पास एक और एडवांटेज होने वाला है, उन्हें भाई 8 रिमोट रेड पास मिलेंगे रिसर्च से। इसी के साथ साथ गाइज भाई 18 जुलाई को पोकेमोन गो की शॉप में आने वाला है भाई 3 रिमोट रेड पास का डब्बा, तो भाई वो सबके लिए अवेलेबल होने वाला है। पर लेकिन टिकट होल्डर्स की बात करें तो भाई 8 रिमोट रेड पास सर से 3 रिमोट रेड पास शॉप में से, तो 11 रिमोट रेड पास उन्हें फ्री में मिलेंगे। इसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया 30-40 डेली रेड पास अपन मान के चलते उनके साथ बुरा होगा, उन्हें से 30 ही डेली रेड पास मिलेंगे, तो भाई इस हिसाब से उनके पास नाना करते भी 41 रेड पासिस हो जाएंगे। और अगर अपन बात करें भाई फील्ड रिसर्च की, जो मतलब एक बार रिसर्च ब्रेक थ्रू में डब्बा निकलता है आजकल, इसके अंदर से भी भाई डेली रिमोट रेड पास मिलने लग गया, तो भाई अपन इसके भी 2-4 काउंट कर लें या फिर एक ही काउंट कर लेते हैं भाई भगवान की दया से, तो 42। और अगर भाई शॉप में से 250 पोकेमोन के 3 रिमोट रेड पास खरीद लेता है वो बंदा। और इसी के साथ साथ गाइस हाउ टू गेट 150 पोकेमोन इन अ डे वो वाली वीडियो देख लेता है, तो यकीन मानो गाइस टिकट होल्डर वाले भैया को 150 पोकेमोन इन अ डे वाली वीडियो देख लेता है ना भाई वो बंदा, तो यकीन मान ले भाई 50 डेली रेड पासेस तो नहीं, पर हाँ 50 रेड पासेस भाई कहीं नहीं अर डे, 50 रेड पासेस से भी ज़्यादा हो जाएंगे भाई उसके पास। पर अगर अपन दूसरी तरफ बात करें भाई नॉन टिकट होल्डर्स के बारे में, तो नॉन टिकट होल्डर्स को थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहेगा, वो 18 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा 4 डेली रेड पासेस गेट कर सकते हैं। कैसे गेट कर सकते हैं वीडियो डाल रखी है, चेकआउट कर लेना। इसी के साथ गाइस आपको मिल जाएगा भाई 3 रिमोट
ग्रेड पास का डब्बा एकदम फ्री में, और भाई रिसर्च भी आएगी तो रिसर्च भी अपन काउंट कर लेते हैं, दो चार अपन को मिल जाएंगे, दो ही काउंट करते हैं यार, ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो फिर भी भाई तुम्हें नाना करते हुए भी भाई 9 ग्रेड पासेस देखने को मिल जाएंगे। और अगर अपन बात करें भाई आपकी किस्मत अच्छी रहती है और आप 150 पोकेकॉन डेली वाली वीडियो चेकआउट कर लेते हो और तुम्हें भाई 150 पोकेकॉन डेली मिल जाते हैं, तो 16 जुलाई को मैंने वीडियो डाल लिया था, 16 जुलाई को 150 पोकेकॉन आपने कलेक्ट कर लिए, 18 जुलाई को आपने 150 पोकेकॉन कलेक्ट कर लिए, टोटल होगा भाई 300 पोकेकॉन। आप आराम से खरीद सकते हो भाई रिमोट रेड पास का डब्बा, वो 250 पोकेकॉन वाला जिसमें 3 आते हैं। इसी के साथ साथ गाइस आप प्रीमियम रेड पासेस भी खरीद सकते हो, और हाँ रिसर्च से भी आपको रेड पासेस मिल जाएंगे, हालांकि आपको प्रीमियम रेड पास मिलेंगे तो आपको नॉन टिकट होल्डर्स को मिलेंगे भाई, झूठ नहीं बोलूँगा, सिर्फ 15 रेड पासेस, जो भाई हालांकि बहुत ज़्यादा कम है, पर लेकिन भाई मैंने वीडियो डाल रखी है हाउ टू गेट 60 लेजेंडरी पोकेमॉन विदाउट एनी रेड। जी हाँ गाइज, भाई नॉन टिकट होल्डर्स वालों सुन लो भाई, 60 लेजेंडरी पोकेमॉन तुम्हें बिना रेड के मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, वीडियो जाके चेकआउट कर लो। और हाँ भाई 12 शाइनी लेजेंडरी भी तुम्हें गारंटीड मिल जाएंगे नॉन टिकट होल्डर एज वेल एज टिकट होल्डर दोनों को, भाई बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइज, आप जाके फटाफट से वीडियो चेकआउट कर लो ये वाली। तो भाई तुम्हें 60 लेजेंडरी रेड पोकेमॉन मिल जाएंगे, जो भी 5 स्टार रेड में होंगे शाइनी 100 में से मिल जाएंगे। और अगर अपन बात करें कि भाई 15 रेड पासेस नहीं हो रहे भाई, 14 या 13 रेड पास हो रहे हैं, तो भाई आपको करना कुछ नहीं है, रिपोर्ट करो यार आपके पोकेमॉन को। मैं रिपोर्ट करके डेली रेड पासेस कैसे कलेक्ट कर सकते हैं ये वीडियो मैं नहीं डालने वाला, आपको किसी और पोके यूट्यूबर की देखनी पड़ेगी, मैं प्रेफर करूँगा भाई फैंटम यूट्यूब भैया की, देख लो उन्होंने डाल रखी है। और भाई देख लो यार जहाँ पे नॉन टिकट होल्डर्स वाले लोगों को मिल रहा है 15 रेड पासेस, दूसरी तरफ भाई टिकट होल्डर्स को मिल रहे हैं 50 रेड पासेस, मतलब देख रहे हो 15 रेड पासेस टू नॉन टिकट होल्डर एंड 50 रेड पासेस टू टिकट होल्डर्स, ये भाई उतना ही फ़र्क है 15 और 50 का जितना भाई मेरे और वीबैक भैया के सब्सक्राइबर्स में फ़र्क है। जोक्स अपार्ट गाइस, पर लेकिन देख लो भाई सीधी सरल बात है, अगर अपन बात करें कि भाई नॉन टिकट होल्डर्स को मैंने बोला था 30 से ज़्यादा मैं रेड पास दिलाऊंगा, तो मैं कैसे दिलाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रिक है यार, बहुत बढ़िया एकदम, मैं बता देता हूँ, अगर करना कुछ नहीं है शॉप में जाओ और ये 1500 पोकेकॉन वाला डब्बा आपको खरीद लेना है, जिसके अंदर अभी आपको मिल रहे हैं 20 प्रीमियम रेड पासेस। और आप लोगों को क्या ही चाहिए गाइस, मैं कसम से बोल रहा हूँ भाई, ये वाला डब्बा कभी कभार देखने को मिलता है, और भाई अभी ये डब्बा गो फेस्ट के दिन आया, बहुत बड़ी बात है, मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो, मैं तो भाई 2 खरीद रहा हूँ, तो मैं ही मेरे पास टिकट भी है और ये भाई मैंने 2 डब्बे खरीदे हैं, तो भाई मेरे पास 40 रेड पासेस हो चुके हैं, 40 प्रीमियम रेड पासेस हो चुके हैं। और मैं तुम्हें एक बार छोटू की आईडी दिखाता हूँ, तो ये देख लो भाई छोटू के पास तो इतने सारे रेड पास हैं कसम से भाई, वो एकदम पूरा प्रिपेयर्ड है। छोटू को नहीं जानते तो ब्लॉग चेकआउट करो, गो फेस्ट का भी ब्लॉग आएगा तो भाई वो भी चेकआउट कर लेना। और ये डब्बा खरीदोगे तो भाई 55 रेड पासेस हो जाएंगे नॉन टिकट होल्डर्स के पास, टिकट होल्डर्स के पास थोड़े कम रहेंगे, देख लो भाई बहुत बढ़िया ट्रिक है, बस आपको डब्बा खरीदना है। और अगर आप बोलोगे भाई डब्बा खरीदने के पोकेकॉन नहीं है, तो भाई मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं अक्टूबर से गीत गा रहा हूँ कि भाई पोकेकॉन सेव करो, गो फेस्ट आने वाला है। और उसके बाद मैंने जनवरी में भी बोला था भाई पोकेकॉन सेव कर लो, क्योंकि भाई गो फेस्ट के दिन ये डब्बे आते हैं जिसके अंदर भाई आपको 20 प्रीमियम रेड पास देखने को मिल जाते हैं, तो भाई अभी भी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ है, अगले गो फेस्ट की तैयारी अभी से करना शुरू कर दो, पोकेकॉन सेव करो, बहुत सारे रेड पास सेव करना शुरू कर दो। और इसी के साथ साथ अभी भी ज़्यादा देरी नहीं हुई है, चैनल मेरा अभी भी अनसब्सक्राइब कर रखा है मेरे ख्याल से, देख लो भाई इतने सारे लोगों ने अनसब्सक्राइब कर रखा है, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई मैं गो फेस्ट टिकट गिव अवे कर रहा हूँ, 11 गो फेस्ट टिकट मैं गिव अवे कर चुका हूँ, अभी भी भाई मेरे पास 100-200 रुपये तो पड़े ही हैं, दोस्तों से मांग लूँ भाई 300-400 रुपये और, तो मैं 2 गो फेस्ट टिकट और गिव अवे कर सकता हूँ, तो क्या कर रहे हो भाई, लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर 6000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं भाई गो फेस्ट से पहले पहले तो मैं 2 टिकट और गिव अवे कर दूंगा, तो अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या फिर आपके पास कोई फैक्ट है इस वीडियो रिलेटेड, तो जरूर से कमेंट करके बता देना गाइस। तो बस यार आज की वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ आज की इस वीडियो में बाय बाय करने से बाद मैं एक चीज और बोल देना चाहूंगा भाई, गो फेस्ट में मैं बहुत सारी वीडियो डालने वाला हूँ आज या कल में, तो सारी की सारी चेकआउट कर लेना, मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी, तो वापस से बोल देता हूँ लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.